हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फी, हरियाणा का नंबर वन कोचिंग सेंटर ICS। अभी मैं जब आ रहा था आपके गांव से, पहले प्रत्येक सेंटर बना पड़ा, क्या जरूरत पड़ी? क्या किसान को रात को मंडी में सोना पड़ा? ये व्यवस्था आपकी सरकार ने बनाई कि किसान को समाचार कर जिस दिन बुलाया जाता है, घंटों के अंदर उसकी फसल को खरीद कर आपकी सरकार उसको पूरा उसका मूल देने का काम करती है। मैं तो साथियों आपको इतना बोलना चाहूंगा कि आज बुढ़ापा पेंशन की बात करें, मुझे याद है जब सरकार बनी लोग 5100 की बात करते थे, पर हमारी सरकार ने 300 दिनों के अंदर बुढ़ापा पेंशन को 2000 से 2500 करने का काम किया, और ये रुका नहीं है। जैसे जैसे आगे आपकी सरकार कदम बढ़ा रही है, वैसे वैसे बुढ़ापा पेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ते भी जाएगी। साथियों आज हम बात करते हैं सड़कों की। अपने इस इलाके के अंदर पिछले वर्षों में जहां हमें सड़कों का विकास बड़ा लिमिटेड दिखा, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2500 किलोमीटर सड़कें तो हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाने का काम करें। साथियों लगभग 7000 किलोमीटर जो हमारे गांव की सड़कें वो मार्केटिंग बोर्ड से रिपेयर करवाने का काम किया कि किसान को उसकी मंडी की आवाजाहत पूरी तरह सुनिश्चित करी जाए। और तो और बहुत से लोग ये प्रचार करते हैं कि इनने तो धोखा कर दिया, दगा कर दिया। मैं तो एक चीज पूछना चाहूंगा, इलाहाबाद की जनता ने 11000 वोटों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल का एक विधायक बनाकर भेजा था, और उस उम्मीद के साथ बनाकर भेजा था कि भाई विधायक जाएगा, प्रचार करेगा, प्रचार कर हमारे विकास की बात करेगा। 2 साल तो मैं विधानसभा में रहा, 9 महीने पहले इस्तीफा दिया था। कोई पूछने वाला हो, जब 5 साल के लिए आपको चुनकर भेजा, 1.25 साल में एक बार इलाहाबाद की बात नहीं करी, और इस्तीफा देने के बाद कह दिया जब तक कानून वापिस नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। अब दूसरा रूप सामने आ रहा है, और रूप क्या है कि मुझे विधानसभा में भेजो। आगे छोरे कहने लग गए विधानसभा में भेज दोगे कानून वापिस नहीं आए फिर इस्तीफा दे देंगे। क्या विधानसभा के लिए इलाहाबाद की जनता इस्तीफा खेलना चाहती है? ये मौका आपके पास है, इस सरकार को मजबूत बनाओ, गोविंद जी को कमल का बटन दबाकर जिताने का काम करो। और ये विश्वास मैं दिलाता हूँ, मेरी जिम्मेवारी है कि इलाहाबाद के विकास के लिए पूरी तौर पर मैं उतारे रहूंगा। मैं तो एक कहावत जरूर आपको बता सकता हूँ, एक बार एक राजा ने प्रण लिया कि मैं सबसे मजबूत आदमी के अपनी छोरी ब्याहूंगा, और फिर उसके बारे में पूरे देश भर में भ्रमण करना शुरू कर दिया। घुमा फिरा के एक राजा मिला, और उस राजा के पास कहते थे 58 तोपे थी, 98 बंदूकें थी। राजा ने कहा ये तो तोप बंदूकों वाला आदमी है, छोरी दे दो, ब्याह करा दिया। राजा जंगल में शिकार करने चला गया, 1 महीने तक शिकार करता रहा। 1 महीने वापिस आया, आकर देखा रियासत तो खंडर हो चुकी थी, तो वहां पर आके पूछा कि क्या बात हुई? राजकुमारी के साथ जिसकी शादी हुई उस सेनापति ने प्रजा को संभालने का काम क्यों नहीं किया? तो साथियों आगे से वजीरों ने क्या बोला, कहता महाराज एक चीज तो समझ आ गई, ये किसी को कुछ मानता नहीं, और यहाँ कोई इसको समझाने का काम करे इसको वो समझ आता नहीं। तो साथियों आज के दिन इनेलो की हालत तो यही करी। चौटाला साहब तो जब 2013 में जेल में गए तो पूरा राजपाट सौंप कर गए, और ये सोच कर गए कि हमारे पीछे से पार्टी संगठन का विस्तार होगा। मगर कई पुराने साथी है यहाँ जिनने वो पीड़ा देखी है कि 7 साल के अंदर किस प्रकार से संगठन को तोड़ा गया, और बाद में जब साथी आए तो पहले मेरे को, फिर निशांत सिंह जी को, फिर लितानी जी को, फिर सरबजीत जी को, डॉक्टर साहब को, सबको पार्टी से निकालने का काम किया। मगर साथियों ये चुनाव चौटाला साहब को बता सकता है
कि जो सेनापति को चौटाला साहब ने चुनने का काम किया था वो तोप तलवारों वाला तो हो सकता है पर प्रजा की चिंता करने वाला नहीं हो सकता। साथियों आज बताना पड़ेगा आपको वोट की ताकत से चौटाला साहब को कि आपने जिस सेनापति को चुनने का काम किया था उसने किसी की सुनी नहीं और कोई सलाह देने का काम किया और सलाह को लेकर नहीं अपनी मन मर्जी से संगठन को बर्बाद किया। मैं तो आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि हमने दिन रात 2 साल में इस प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए काम किया है और हमारा प्रयास रहा है कि ग्रामीण अंचल और सशक्त हो और मजबूत हो। और अगर आप चाहते हो कि इलाहाबाद का आधा इलाका जो सेम प्रभावित है वहाँ खेती लायक व्यवस्था बनाई जाए, आते गांव जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ पानी पूरी मात्रा में पहुँचाया जाए, तो आपको अपना एक एक कीमती वोट पूरी मेहनत और लगन के साथ गोविंद जी को देकर उनको विधानसभा में चुनकर अपना नुमाइंदा बनाना पड़ेगा। चुनकर गोविंद जी को भेजो, जिम्मेवारी मेरी है साथियों, विधानसभा के माध्यम से भी आपके कामों को करवाने का काम मैं करूंगा। ये सोच लिया गोविंद जी को चुनाव को नहीं, वो चुनाव मेरो है और जे दुष्यंत बन के ही चुनाव ने लड़ना है। मैं तो ताने यही चीज बोलने आयो कि अब थारी जिम्मेवारी है कि आज उस सारा मैदान में उतर जाओ, पूरी मेहनत लगन लग दो। लोग तो विरोध करता रहेगा, लोगों की तो आदत होगी, एक साल तो मैंने देखने तो हो गयो के बात है, कानून वापिस कर लो। कौन सा है? बेरो कोनी। कानून में है कौन? बेरो कोनी। के चलेगा? बेरो कोनी। ई बारी एक चीज बताओ थाने, मेरे कहने बारी बारी नायब जी को फोन आयो कि दी मंडिया में जीरी यूपी वाली खोल दो, पंजाब वाली खोल दो, नए कानून में तो मंडिया खुलेगी मगर खुद पंगो ले गए, पुराने कानून लागू रख दियो और पुराने कानून मंडिया में आवाजाही बंद होगी। अपना आधा साथ लगता आरती आज के दिन मारा गया। साथियों आरती एक पैसा इकट्ठा करके दिया, कहता घूमता कि वो तो कालो कानून मंडिया ने बंद लगा देगो, तो एक साल में एक मंडी के तालो लग गए हो तो बताओ। आज तो धराटो चले मंडी को नहीं चले, पहले वो बेहतर चले और पहले वो अच्छी तरिया प्रोक्योरमेंट प्रदेश में हुआ। मैं तो आज था एक ही रिक्वेस्ट करूं, ये समझने की बात है, लोग कई अटे खराब माहौल करे पर माहौल खराब थे को नहीं होने दे, मजबूती हो डट के थे लड़ाई लड़नी, बूथ संभालने और थे बूथ संभाल गया 30 तारीख ने, तो 2 तारीख ने गोविंद जी ने मैं विधानसभा के अंदर सदस्य इलाहाबाद को देखा। करते हो गया तो नहीं करो, करते हो गया हाँ ठाके विश्वास दिलाओ, कर देगा नहीं। मैं तो दोबारा तारो भाई अपील करने आयो और एक चीज दोबारा बोल के जाऊं, गोविंद जी को चुनाव को नहीं मेरो चुनाव है साथियों।